हेलो नमस्ते। आज हम साबुदाना खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने भिगो के रखा हुआ साबुदाना लिया है। 6 घंटा मैंने भिगो के रखा था, अच्छा से धो के भिगोने का है। आधा कप लिया था साबुदाना, वो 1 कप हो जाता है भिगने के बाद। उसको मैंने मैश करके पटेटो डाला है और मूंगफली का क्रश्ड पाउडर, नमक डाला और इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ती हूँ मैं। ये सारे भी एक साथ अच्छा से मिलाएंगे। अभी देखिए ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। ये भिगोते हैं ना, तभी ज़्यादा पानी नहीं डालने का। धोने के बाद एक थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रखने का, सोक इट वेल। अभी इसमें हम धनिया पत्ता बारीक से काट के डाला है और मिक्स करेंगे इसे। मूंगफली भी इतना पाउडर नहीं करने का, कोर्सली ग्राइंड किया है, ड्राई रोस्ट करके किया था मूंगफली। अभी मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, उसमें 2 टीस्पून घी डाला। घी पिघलते पिघलते इसमें मैंने आधा टीस्पून जीरा डाला और इसमें चिली डालती हूँ, ग्रीन चिली को बारीक काट के, और कड़ी पत्ता 8 से 10 थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। और इसमें मूंगफली साबुत वाला, वो भी थोड़ा रोस्ट करके रखा था ऑलरेडी, वो इसमें डाल के एक बार मिक्स करेंगे। अभी हमने ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ साबुदाना मिक्सचर है ना, इसमें डालेंगे और एक बार अच्छा से मिलाएंगे। इसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा से आ जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा पिंच भर के मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। अभी इसको 1 मिनट के लिए हम ढक्कन डाल के रखेंगे। अभी अपना खिचड़ी रेडी, साबुदाना खिचड़ी बहुत आसान है बनाने का, रेडी हो गया। अभी इसको हम सर्व करेंगे दही से। दही एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर चाहिए तो ऐड कीजिए, और धनिया पत्ता ऐड किया मैंने। अगर आपको चाहिए तो ऊपर से मूंगफली का क्रश पाउडर डाल दीजिए इसे। बढ़िया से हो गया है अपना साबुदाना खिचड़ी। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।